गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी के प्राइमरी क्वेश्चन चैप्टर को आगे पढ़ाते हुए, ठीक है बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राणियों में पोषण के बारे में, उसमें पाचन प्रक्रिया, आज हम उसमें अंतर्ग्रहण और हमारे मुंह की बनावट के ऊपर कुहिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्ग्रहण क्या है। शरीर के अंदर भोजन को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को मुंह के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। शरीर के अंदर भोजन लेने की इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा है। आप देख सकते हो परिभाषा में लिखा आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। जब भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, मुंह में पहुंचता है, तो मुंह में पहुंचने के बाद हमारे मुंह से उस भोजन को पाचित करने का कार्य प्रारंभ हो जाती है। इसमें सबसे पहला कार्य होता है दांतों का। किसका होता है? दांतों का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दांत द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसे चबाने का कार्य करते हैं। तो हम लोग जो दांत है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहले जो दांत है उसको दो दांतों में परिभाषित करते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। अब यहाँ देख सकते हैं जो दूध के दांत और दूसरा क्या है, स्थायी दांत। दूध के दांत किसे कहते हैं, वे दांत जो बचपन में अर्थात 6 महीना के बाद 7वां 8वां महीना से आना प्रारंभ हो जाता है और वो कब तक रहती है, 8 साल 9 साल की उम्र तक रहती है लगभग में, और उसके बाद वो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वैसे दांत जो हमें शैशव अवस्था से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टीथ या दूध के दांत कहते हैं। या देखिए उसके परिभाषा को हमने लिखा है, शैशव काल में निकलने वाले दांत जो लगभग 8 वर्ष तक की आयु तक गिर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दूसरा है हम लोग का स्थायी दांत। स्थायी दांत क्या है, 8 साल के उपरांत जैसे जैसे वो दांत टूटते हैं उस दांत के टूटने के बाद दूसरे दांत आ जाते हैं। वो दूध के दांतों के टूटने के बाद जो दांत हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम परमानेंट दांत या स्थायी दांत कहते हैं। ये दांत टूटने के बाद पुनः वापस नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। हमारे दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ये दो जबड़ों में होती है, 16 नीचे 16 ऊपर। अब हम दांतों के प्रकार पर आते हैं, इसे 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कृंतक, रत्नक, अनुचवर्णक और चवर्णक। ये हमारे दांत है जो हमारे मुंह में होती है। आप इसका संरचना को हाथों द्वारा छू कर और या आईने के सामने खड़े होकर इस पर देख सकते हैं, इसकी संरचना को समझ सकते हैं। कृंतक से हम भोजन को काटने का कार्य करते हैं, रत्नक से चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, अर्धचवर्णक से उसे पीसने का कार्य करते हैं और चवर्णक से उसे महीन और पूरी तरह से ग्राइंडिंग करने का, पीसने का, महीन बनाने का कार्य करते हैं। तो ये 4 अलग अलग दांतों का अलग अलग कार्य होती है हमारे मुखमंडल में। उसके बाद मुख कुहिका में हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है, दूसरा मुख की चीज आती है, वो क्या है, जीभ है। आप यहाँ देख सकते हैं जीभ को, यह एक मांसल पेशी होती है। आप इसको समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ये इसकी जो पिछला सिरा होता है वो जुड़ा होता है इसके साथ मुख कुहिका के आधार तल से, और इसका अग्रभाग जो होती है वो स्वतंत्र होता है, फ्री होती है, जो मूव करता है इधर उधर आप उसको हिला सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हम स्वाद लेते हैं। जब भोजन हमारे मुंह के अंदर जाता है उसकी स्वाद कैसी है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है या तीखा है, इसकी स्वाद हमें जीभ के द्वारा प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने जीभ के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख दिया है, थोड़ा सा विस्तार कर दिया है। याद रखिए जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख कुहिका के आधार तल से क्या होती है, जुड़ी रहती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और हम इसे किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसका स्वाद, इसमें क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है जिनसे हमें स्वाद प्राप्त होता है, भोजन का टेस्ट प्राप्त होता है। ये देखिए बच्चों, हमने जीभ का एक संरचना बनाई है और इसके अलग अलग भागों में इसे बांटा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो डॉट 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 यहाँ दिखाए हैं, इसका ये भाग ऊपर का भाग ये कड़वा चीजों का स्वाद दिलाता है, ये जो डॉट हिस्सा दिखाए ये खट्टा का टेस्ट करवाता है, ये बीच वाला भाग मीठा का स्वाद दिलाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ये नमकीन भाग को दिखाता है, और ये जो फ्रंट होती है सबसे अग्र भाग ये मीठा और नमकीन दोनों का टेस्ट कराती है। तो इसमें बूट्स होती है, छोटे छोटे डॉटेट्स होती है जो क्या कराती है, हमें भोजन का स्वाद टेस्ट
टीका के एक मुख्य भागों के ऊपर ही चर्चा करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे जाएंगे। ओसोफेगस, द्रासनली, आम